तो फाइनली हमारा सूट कंप्लीट होता है। एंड सूट के बाद, काम के बाद, ऑफिस के बाद, खाने के बाद, पीने के बाद, सोने के बाद चाय पीना चाहिए। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होगे, प्यार से होगे, खुश होगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। हमें मानसी और आज है हमारे चैलेंज का तीसरा दिन, यानी कि सी चैलेंज। तो चलिए इसी के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और आप लोग भी मेरे इस शुरुआत में मेरे साथ बने रहिएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। बच्चों का है आर्ट और मेरा प्लान तो वैसे था कॉलीफ्लावर का सब्जी बनाने का, एकदम मस्त हेल्दी खाना बनाते और खाते हैं। लेकिन हुआ यूं कि हमको गोभी मिला नहीं और उसके बाद फिर चिया सीड्स को फूलने देना था, गोभी नहीं दे पाए। बाकी अभी मेरे पास अल्टरनेट बहुत ऑप्शन है, एक तो चोकोस है, ऊपर से काजू है, एंड उसके साथ ही अभी दिमाग में आया है चाय, और फिर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में आता है अपना चीले। तो चलिए कुछ ना कुछ तो हम लोग बना लेंगे, बट उससे पहले करते हैं ब्रश। और सत्यम भैया यहाँ स्कूल जा रहे हैं, तो आप लोग मिलिए सत्यम से। तुम स्कूल जा रहे हो सत्यम भैया? सत्यम भैया स्कूल जा रहे हो? मेरे चैलेंज में इस बार तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, सिर्फ और कोकोनट नहीं दोगे? उस टाइम में बोला दीदी सिर्फ और कोकोनट खाइए ना, ए वाले चैलेंज से बोल रहा है। तो चलिए वो भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। इधर वाले में पूरा पेंट हो गया, तो बाकी सारा सामान वगैरह भी लग गया। हम सोच रहे अपने घर के लिए मस्त मस्त पेंटिंग करते हैं कुछ और लगाते हैं। मम्मी कोई बात नहीं बोलेंगे, तो मम्मी हमको जो है घर से निकाल देंगे, ताकि मम्मी को हमेशा वो करते हैं बोल देंगे, मम्मी को लगेगा अरे हाँ चलो अब पेंटिंग फाइनली घर के लिए करेगा, उसका तो करते हैं ना। इसलिए क्या बोलते हो, मम्मी को डायरेक्ट ना हम लोग सरप्राइज देंगे। अब देखते हैं किस दिन देंगे, लेकिन टाइम लगेगा बट देंगे। गए किचन में और इधर यहाँ धनिया वगैरह निकाल दिए और थोड़ा सा ओट्स था और उसके साथ हम थोड़ा सा बेसन मिक्स कर दिए। पता नहीं क्या टेस्ट होने वाला है, बट जो होगा सब सही है। इस तीसरे नंबर चैलेंज पे आप लोग जोड़ रहे हो तो बता दें, मेनली चैलेंज का क्या है ना, हम लोगों को दिन भर में, मतलब जैसे आज सी है तो दिन भर में कुछ ना कुछ सी से खाना है, तो इसलिए हम सोचे कि मेनली ब्रेकफास्ट पे बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ बैटर तैयार है और तवा भी चढ़ा दिया और साथ ही में यहाँ हल्का सा सरसों चढ़ाए, क्योंकि हमको बनाना है नारियल का चटनी। मतलब बनाए हैं एक्चुअली जीरी सा नारियल था, सोचे क्या कि चलो इसका चटनी बना देते हैं। मेरे लिए घर से निकल जाना ही बढ़िया हुआ, देख रहो, देख लो, जस्ट लुक एट दिस बर्तन। मेरा हाथ चल गया इसके चक्कर में, मेरा उंगली में पूरा उड़ गया, भक उंगली ने उड़ा, मतलब सरसों उड़ गया। मम्मी मार देगी, देख लेगी ऐसा बर्तन तो हमको। ये हमारे घर कौन आ गया सुबह सुबह? पापा गए थे अभी सत्यम को स्कूल पहुंचाने, इसको लेते आए। मानो कौन है तुम? हाय कर दो सबको, हाय सीताराम कर दो, सीताराम जय पापा कर दो, जय कर दो, जय कर दो सबको, जय कर दो, जय कर दो, जल्दी से जय कर दो, जय कर दो, मानो सबको जय कर दो, जय बाबा, राम राम, राम राम जी सारे ने। सबका स्वागत है हमारी मानो के चैनल पे। हम मानो का इंस्टा पे पेज बनाए हैं आद्या गुप्ता के नाम से। अभी तक उसमें कुछ पोस्ट नहीं किया बट करेंगे, कुछ रो नहीं रही, मम्मा का उसमें याद आ रहा है। सी ब्रेकफास्ट भी रेडी है, चाय कोकोनट चटनी विद चीले, एंड एक चीले और बन रहा है। हमारे घर मानू आ गए, मानू को बैठा दिया नीचे में, मम्मी मम्मी कर रही है, उसको याद आ गया मम्मी का। चलिए इसको पलटते हैं और मानू के लिए सीओ लाते हैं। हाँ वो मम्मी को ला रहे, रुको खा बच्चा, मुझे खाओ, ये खाएगी, तुम खाएगी, हाँ इन्हें खाएगी तुम, हम खाएं, वो तुम खाएगी, वाओ अच्छा लगा। दादी को भुजा खिला दो, खिला दादी, एक कौन है, एक कौन है, जा सब गिर गया, सब गिरा दी मानू। मानू कहाँ है रे मानू? दादी कहाँ है दादी? देखे मानू, हाई फाई करो, हाई फाई, हाई फाई, एक बार एक बार एक बार। मानू गई दुकान पे, अभी हमको दुकान पे जाना पड़ेगा, दादी को बाजार जाना। आपको एक बात बताऊं मम्मा, एक बात बताऊं मम्मा, एक बात बताऊं, एक सरप्राइज दूं मम्मा, बिरयानी के कटोरे जला दिए मम्मा, हम छोटे तड़का लगा थे लेकिन जल गया। इनका कटोरा तू निकाल के, नया नहीं है मम्मी, वहाँ रखा हुआ था। अरे हमको लगा कि इसी में थोड़ा सा बस हल्का तेल गरम कर दे, खाली सरसों डालने के लिए, घर का नहीं साफ होता है। अच्छा हम साफ कर दूंगा, पक्का हम कर दूंगा। मम्मा ने रखी है, मम्मा ने खिलाई, मम्मा ने खिलाई तुमको। तो चलिए खाना पीना तो हो गया, और अभी जो मेरा सूट है उसमें ना हमको थोड़ा मतलब जैकेट टाइप का पहनना है, गुड़िया का हमको एक जैकेट मिला, हमको बहुत लूज होता है लेकिन इसी को पहन लेंगे। इसके अंदर कुछ लाइट सा पहनना है और नीचे जींस पहनना, बिल्कुल सिंपल सा आउटफिट है,
तो चलिए निकालते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, निकलेंगे हम। व्हाइट कलर के टॉप में हमको एक व्हाइट कलर का मिला जिसमें कि अभी थोड़ा आयरन करना पड़ेगा। ये जब से हम लिए ना 2 से 3 बार पहने, जितना और पहनते उतना बार ऐसे चूर होता है, एकदम अजीब सा हो जाता है। देखते हो, मतलब अगर दोबारा पहनना है तो बिना आयरन का तुम पहन ही नहीं सकते। देखते हो, अभी तक लुक नहीं पता चल रहा है। देखो आयरन के बाद इसका डिजाइन। तो ये रहा टॉप जिसके यहाँ पे गुलाब बना हुआ है और हम इसको पहन के बन जाएंगे गुलाब। तो चलिए हम पहन के आप लोगों को दिखाते हैं, इसके साथ हम इसको पेयर कर रहे हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक जिसमें अपने बालों को भी स्ट्रेट करने का कोशिश किया बट हुआ नहीं। एंड ऐसे व्हाइट कलर का टॉप है, कुछ गले में इस तरह का डिजाइन है एंड इसके साथ हमको ये जैकेट को पहनना है। मतलब ओवरऑल ना हमको थोड़ा फंकी टाइप का लुक चाहिए जिसमें कुछ ऐसा है, वैसे तो हमको नहीं आता और ना मेरे पास उतना ड्रेसेस है, बट कोशिश किए हैं हम उसको बनाने का। बाकी चलिए चलते हैं, अभी हेडफोन लेना है और एकदम टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए बस निकलते हैं। आज कितना सारा हम वीडियो शूट कर लिए, वीडियो तो हम बहुत सारा शूट कर लेते हैं पर होता है क्या ना, वीडियो एडिट करने का हमको टाइम ही नहीं मिलता। खैर चलिए सारा हो जाएगा, बैग में ले लेते हैं इसको। वैसे तो इसको पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा बट जब सूट होगा तभी पहनेंगे, ऐसे पहनेंगे। बाय मामा, बाय मामा। एंड दिस इज माई होल आउटफिट। ये कुछ टॉप इस तरह का लग रहा है, गले पे ऐसा है एंड पीछे ऐसा है, हाथ पे कुछ ऐसा है, क्या हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ हमको एक जैकेट को साथ में पहनना है, वही जो गुड़िया का हम निकाले। और सबसे बड़ा टफ चीज ये है, जूता पहनने में इतना टाइम लगता है ना आपको क्या बताए। मेरा ना अगर ये जूता पहनने का हुआ तो तुमको लेट होना है तो होना है। चलो हम जूता को समय लगा के पहनेंगे। खैर हेडफोन लेना है क्योंकि ना ओवरऑल समझ लो हमको ना एक थोड़ा वैसा लुक करना है, मतलब ट्रैवलर वाला लुक करना है, तो एक हेडफोन भी लगाना जरूरी है। और एक जैकेट ले ली है जो आप लोगों को दिखाया, पता नहीं इसको पहनने के बाद हम कितना ज्यादा हमको गर्मी लगने वाला है बट जो लगेगा ठीक है। ऑफिस का डायरी मेरा कल छूट गया था तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, हमको पेपर में लिखना पड़ा था पता है। और यस 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 मानसी गुप्ता तुम जल्दी जल्दी करके तैयार हो जाओ यार। सूट रेडी, मानसी गुप्ता हो चुकी है। ये मेरा आज का मेकअप। ये बिल्डिंग कब गिरेगा गाइस, आप लोगों को पता है तो बताइए। और अभी हम लोग अपने पहले लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां इतना ज्यादा भीड़ है कि देख रहे हो। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं भागलपुर से कहीं बाहर और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। फोन छोड़ के जाएंगे क्या? हम हर लोग देख रहे हैं बैग को जबरदस्ती का। टिकट लोगो है ना, लोगो दिखा देंगे। और यहाँ पे कैमरा सेटिंग हो रहा है और इधर सर लोग। हम तो ट्रेवल में इतना पैसा खर्चा कर दिए हैं कि 100 रुपया बचा है मेरे पास बस। देखिए हम कहीं तो जा रहे हैं, मेरा टूरिस्ट वाला बैग भी मेरे साथ है लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो हमको भी नहीं पता। पूरा हाँ पूरा प्रोडक्शन में और भी हैं, सारे लोग अभी चले गए हैं टिकट लेने के लिए, प्लेटफॉर्म टिकट लेने, ट्रेन व्रेन का टिकट नहीं ले रहे। पहला सूट कैसे होगा? हो जाएगा ठीक है, ओके डन। जैसा भी सूट होगा आप लोग देख लोगे कभी ना कभी। चल रहा है तो हम लोग 14 बार ऊपर से नीचे कर लिए, नहीं तो अगर खुद चलना पड़ता ना तो एक के टेक में काम चला देते। बाकी हो गया है, बस एक क्लोजअप लेना है। अंकल प्लीज पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, ठंडा 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 पूरा ठंडा हल्का लीजिए। पता नहीं बैग टांग के रखा अंदर। एनर्जी सूट के बीच में हमारा पेट पूजा चल रहा है गाइस। चीयर्स चीयर्स। कुछ ज्यादा ही बड़ा ग्लास है। गाइस आज हम बहुत सारा शॉपिंग कर लिए, वो अलग बात है, हर झोले में बस पेपर भरा हुआ है लेकिन शॉपिंग बहुत सारे किए करना था। सो हेलो गाइस, अभी हम वीडियो बना रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, चारों को वीडियो बना रहे। तो फाइनली हमारा सूट कंप्लीट होता है एंड सूट के बाद काम के बाद ऑफिस के बाद
खाने के बाद, पीने के बाद, सोने के बाद चाय पीना चाहिए इंसान को, तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। चलिए उधर ही चलते हैं, और वैरायटी चौक में तो चाय पीने उधर ही जाएंगे जहाँ अक्सर जाया करते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं, और अगर आप लोग भागलपुर से हो तो एक बार इधर का चाय जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी ये है वैरायटी चौक, एंड इधर से स्टेशन निकलते हैं उसी रास्ते में, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं। अटपटा चाट भंडार के बगल वाले गली में बाग में चाय पीते पीते कौन मेरे सब्सक्राइबर मिले, सेल्फी लेंगे ना, सेल्फी लेना होता है। देखिए कैमरा भी नहीं निकला अभी तक, एक्साइटमेंट वो कैमरा नहीं खुल पा रहा है। चलिए अभी तक सेल्फी नहीं लिए, कोई ना गाइस हम लोग चाय पीते हैं। चीयर्स। क्या तुम हमारे साथ मेरे इस नाटक में साथ हैं? क्या तुम है नहीं है? नहीं है तो बिस्किट खाओ और जैक्स हो जाओ। तो गाइस हम घर आ गए, चेंज भी कर लिया, मैंने चोटी देख ली पूरा, क्या ब्राउन मारा है, क्या क्या देखना है, हट गदा। तो चलिए हम लोग चलते हैं दुकान पे, साथ भी बच चुका है अभी आधा घंटा, मतलब 6:30 बजे हम घर आए थे, सॉरी 6:30 बजे घर आए थे, और बैठ के हम थोड़ा सा थेरेपी लिए, एकदम पीठ का दर्द छुड़ा लिए। अब चलिए दुकान में करते हैं, काफी सारा काम करते हैं, और साथ ही साथ करते हैं वीडियो एडिट। वैसे कल वाला मेरा जो चैनल पे वीडियो आने वाला है ना, वो ऑलरेडी एडिटेड एंड अपलोडेड है, तो टेंशन नहीं है, बस उसका थंबनेल बनाना है। मतलब एक एडवांस में जब हो जाता है तो बड़ा मजा आता है यार, हर यूट्यूबर समझ सकते हैं, जो डेली ब्लॉगर है ना वो इस चीज को समझ सकते हैं कि कभी कोई वीडियो अगर एडवांस में चला जाता तो फिर कितना खुशी होता है, मतलब लगता है अरे चलो एक दिन तक तो शांति मिला। खैर बारी था इधर का, देख रहे हो इधर वाला भी पूरा पेंट पुताई सारा हो गया, इधर भी हो गया। ऐसे तो हम कभी क्लिकबेट यूज करते नहीं है, कभी कभार बस मन होता उस वाले वीडियो पे ऐसा हो गया कि कार दिख गया तो ऋषभ बोला कि चलो यूज करते, तो हम कर दिए। अब उस वीडियो पे इतना हेट कमेंट आया, इतना हेट कमेंट आया। अब क्या बोल रही है एक लड़की आके कि ना हाँ ये ऐसी है, ये हमेशा मतलब बोलती कुछ है वीडियो में रहता कुछ है, मतलब कुछ भी बोलना होता है यार कुछ भी। खैर छोड़िए ये सब, हम लोग चलते हैं दुकान पे और काम करते हैं। तो ये काम भी डन होता है, पापा भी ये पहुंचाएंगे, और टाइम भी कुछ ज्यादा ही हो गया। और ये वाला बोर्ड देख रहे हो आप लोग, देखा करते थे बहुत पुराना था, बहुत ज्यादा टूट गया था, तो ये भी आज बना है। और आज देख रहे हो दुकान का भी ये जितना भी काम बाकी रह गया था कम्प्लीट हो गया, उधर में भी हो गया, और इधर तो हो ही गया था, उधर थोड़ा सा बाकी था वो भी हो गया। देख रहे मम्मी पूरा वाइब ले रही है, छठी मैया का गाना बजा के मम्मी को बोले चंप भी कर देते हैं, बैठ गई पता है कहाँ पलंग पे चढ़ गया, बताओ मामू वाइब बोले मेरी करेजी अब चढ़ के बैठ जाते हूँ।